रादौर के गांव नाचरौन के आवर्धन नहर के पुल के पास जाटलाना रादौर मार्ग पर आज उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों ने सड़क किनारे एक व्यक्ति के शव को आवारा कुत्तों द्वारा नोचते हुए देखा। लोगों ने जैसे तैसे कर मृतक के शव से कुत्ते को हटाया और मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर जटलाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव की शनाख्त करवा शव को पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर में भेज आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक व्यक्ति की पहचान मधुबंस गांव के सुखबीर के रूप में हुई है। वहीं सीन ऑफ क्राइम टाइम की टीम भी मौके पर पहुंची और वहां से साक्ष्य जुटाए। को जी रात का मामला है जी, ठीक है जी। हम तो सुबह ड्यूटी से जो आए ड्यूटी बजाने के लिए, तो यहां पे 112 खड़ी थी जी। तो जी हम रुके, हम देखा मौका क्या बात है कि हम यहां से रुके, रुक कर देखा, फिर मैं बुल्ले मारते भाई इसकी पहचान करो बंदे की। तो जी मन्ना इसकी चादर टाका देखी, तो मन्ना इसकी पहचान करी भाई सुखबीर आयो मधुबंस कॉलोनी का, ठीक है जी। बाप का नाम नाथीराम। क्या करता है ये? मजदूरी करता था जी। तो ये रात का नहीं आया था घर पे? ना रात का नहीं आया जी, क्यों इसका काम लेट का था, थोड़ा लेट चले हो गए हो काम पते। तो जी लेट आन दो, देखो वो तो यो जाना और परमात्मा जाना, ठीक है जी। मर रखे था इसको? मरया था जी, बस यो जो है ना जी गिर गया, गिरने के बाद इसको उठा नहीं गया, नहीं उठा गया तो यो यहीं पड़े रहा। अच्छा इसका चेहरा जो है ना कुत्तों ने पाट दिया। ये गिर गया मतलब? हाँ जी यो गिर गया, इसको उठा नहीं गया, शरीर भारी था, ठीक है जी। और आदमी गिर गया क्या क्या तभी हो से गयो, क्यों पत्थर में इसका सिर लग गया था। अच्छा साइकिल पे था ये? हाँ जी ये साइकिल पे था। क्या काम करता था वैसे ये? मजदूरी करता था ये। हाँ जी ठीक। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस द्वारा? बस पुलिस द्वारा तो जी अब इसका पोस्टमार्टम होगा जी। सूचना मिली थी कि गांव नाचरौन के पास एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है, जिस सूचना पर हम मौके पर गए और हमने वहां पर जाकर देखा कि उसकी जो मुंह है ना वो कुत्तों ने नोच खा रखा था। इसकी पहचान जो हुई है सुखबीर सिंह के नाम, सुखबीर सिंह पुत्र नाथीराम वासी माधोगांज के नाम से पहचान हुई है इसका। ये अपने काम पर जाता था, काम से आते वक्त कहीं साइकिल गिर गई इसकी और उसके साथ इसकी चोट लग गई। मजदूरी का काम करता था मिस्त्री के पास। पोस्टमार्टम कराते हैं, उसके बाद इसके मौत के कारणों का पता लगेगा।